नमस्कार, वन इंडिया में आपका स्वागत है। मेरा नाम अविनाश है। स्ट्रेट ड्राइव का मतलब सचिन तेंदुलकर। इस शॉट को सचिन से बेहतर कोई और खेल ही नहीं सकता है। स्ट्रेट ड्राइव में सचिन इतना परफेक्ट कोई बल्लेबाज हुआ नहीं, पर उनके नक्शे कदम पर चलकर कई बल्लेबाजों ने ये शॉट खेला, पर सचिन से उनकी तुलना नहीं की जा सकती है। किसी में भी वो बात नहीं आई। हालांकि सचिन के छत्रछाया में रहकर रोहित शर्मा ने बतौर बल्लेबाज सचिन के कई रिकॉर्ड तोड़े और अब स्ट्रेट ड्राइव भी उन्हीं की तरह खेलकर फैंस को सचिन की याद दिला रहे हैं। जी हाँ, पांचवें ओवर की बात है। सैम करन गेंदबाजी कर रहे थे और पहली ही गेंद इन स्विंगर। रोहित शर्मा इस गेंद पर चढ़कर खेले, दोनों पैर को साथ लाया और एक बढ़िया स्ट्रेट ड्राइव उन्होंने खेल दिया, जिसमें बल्ला उन्होंने काफ़ी देर तक सीधा रखा और सिर बिल्कुल भी हिलने नहीं दिया। टाइमिंग परफेक्ट और कमाल का खेला गया ये शॉट। इंग्लैंड का कोई भी खिलाड़ी गेंद को रोक नहीं पाया, लिहाजा एक शानदार चौका रोहित शर्मा के बल्ले से निकला। साथ ही ये भारत की पारी का पहला चौका भी था जो विकेट गिरने के बाद आया। शिखर धवन सस्ते में पवेलियन लौटे, उन्हें रिस टोपली ने आउट किया। काफ़ी देर तक रिस टोपली ने दबाव बनाए रखा था और आखिरकार में एक फुल लेंथ गेंद पर धवन कैच थमा बैठे। दूसरी तरफ सैम करन ने भी रोहित शर्मा को पवेलियन का रास्ता दिखाया। नौवें ओवर की चौथी गेंद थी, सैम करन ने एक बढ़िया और आसान गेंद डाला ताकि रोहित बड़े शॉट के लिए जाए। आदिल राशिद ने कैच लपक कर रोहित की पारी का अंत किया। 25 गेंदों में 25 रन बनाकर रोहित शर्मा आउट हुए। इस दौरान उन्होंने 5 चौके लगाए। आपको बता दें, मेजबान भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला पुणे के मैदान पर खेला जा रहा है। इस मैच में इंग्लैंड की टीम के कप्तान जोस बटलर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। इस खबर में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।